मैं तो शौक हो गई, कितनी अच्छी उन्होंने गाड़ी बना ली है और ये अच्छी बात है कि कितना डेवलप हो गया इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब तक लेके आ सकते, कितने साल लग जाएंगे? देखिए अभी तो आवाम को देख के तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है, कभी भी नहीं, कभी भी। पाकिस्तान में कहना मैं बाहरले मुल्क नहीं देखी, इंडिया ने कितों बना ली है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मोहित माथुर, जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इंडिया में बन रही फ्लाइंग कार के ऊपर है, जो पाकिस्तान वालों से उसका रिव्यू लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। इन्होंने गाड़ी बना ली है और ये अच्छी बात है कि कितना डेवलप हो गया इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब तक लेके आ सकते, कितने साल लग जाएंगे जन्म में? देखिए अभी तो आवाम को देख के तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है, कभी भी नहीं, कभी भी। पाकिस्तान में कहना मैं बाहरले मुल्क नहीं देखी, इंडिया ने कितों बना ली है। वालेकुम सलाम। अच्छा, कभी आपने उड़ने वाली गाड़ी रियल में देखी है? उड़ने वाली गाड़ी जहाज ही देखे, उड़ने वाली गाड़ी देखा, जहाज ही देखा है। फ्लाइंग टैक्सी देखी है? हमारे यहाँ पे तो उबर क्रीम बड़ी चलती है, कभी उड़ने वाली उबर या टैक्सी देखी है कोई? काफी गाड़ियाँ देखी हैं लेकिन उड़ने वाली टैक्सी तो कभी नहीं देखी। आपने देखी है कभी? सर मैं तो सुन पहले रेफर रहा हूँ आपसे। कभी उड़ने वाली गाड़ी देखी है आपने? उड़ने वाली टीवी में देखी है, मोटे पत्तों की कार्टून में देखी है। कार्टून में देखी है, कभी असल में देखी है? असल में नहीं। नहीं, चले मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ, आपने चेक करें कैसी लगी आपको। वाओ, ये सच में उड़ने वाली है? ये गाड़ी है या क्या है? ये है कहाँ पे, पाकिस्तान में आई है? नहीं ना, मसला ये है इंडिया में। इंडिया में कहाँ से आ गई? देख लें, कभी अभी अमेरिका में भी नहीं देखी, इंडिया में कैसे आ गई? सर वो खुद को इतना टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं ना अभी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्या हो गया? अगर मैं कहूँ ये पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में मान ही नहीं सकते तुम, गंवा रहे हो, मतलब क्यों नहीं मान सकते? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी? सर हो ही नहीं सकता। इससे फ़ायदा ये है कि लोगों को मतलब कहीं आने जाने में ट्रैफिक वगैरह से लोग बच जाएंगे, ठीक है, और एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, जो लोग एरोप्लेन वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते उसके लिए ये तो बहुत बेस्ट है ना, कि ऊपर से मतलब टॉप से व्यू देख सकते हैं। सर मेन इसका रीज़न ये है कि वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो खुद बना रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे। कल को इनको ये भी फ़ायदा तो हो सकता है अगर इनकी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, बाकी मुल्क भी इनसे ये चीज़ खरीदेंगे, इनसे टेक्नोलॉजी मांगेंगे, तो इनको क्या फायदा, कितना फ़ायदा होगा इनको? इनकी इकॉनमी इससे बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये देखें, इस तरह की जो चीज़ें ना ये आने वाले दौर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि दिन ब दिन जितनी ट्रैफिक होती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, किस लोगों ने सुबह जॉब पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल पे जाना होता है, इस तरह की चीज़ें होंगी उससे ट्रैफिक कम होगी, ट्रैफिक कम होगी तो पोल्यूशन भी कम होगी, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक्चुअली में एक टैक्सी है, इंडियंस ने बनाई है, इसके अंदर बंदा बैठ के लाइक उबर की तरह से यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्या कैसा लगा? मैं तो शौक हो गई, कितनी अच्छी इन्होंने गाड़ी बना ली है और ये अच्छी बात है कि कितना डेवलप हो गया इंडिया कि उन्होंने बना लिया। इससे तो काफ़ी फायदे होने वाले हैं, एक तो टाइम की बचत होगी, दूसरा पोल्यूशन नहीं होगा। हर बंदा चाहता है टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं अभी तक? बस वैसे ही, असल में हमारा पाकिस्तानी अवाम में टेक्नोलॉजी बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, लेकिन हमारे वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं है। तो हम जो स्टूडेंट्स इतनी इतनी महंगी डिग्रीज करते हैं, 20-25 साल लगाते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एक वक्त तो था कि दुनिया में सबसे अच्छे साइंटिस्ट पाकिस्तान के पास होते थे, अभी सारा पीछे क्यों रह गया? बस ये मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बिजनेस माइंड हो गया सबका, पढ़ाई भी सब ने एज अ बिजनेस ही लेना शुरू कर दी है, उससे बेहतर है कि स्टूडेंट्स चलो थोड़ा बहुत पढ़ें और अपना बिजनेस करें। इंडिया कैसे खुद को ऐसे इतनी टेक्नोलॉजी में लेके जा रहे हैं, उनके एक स्टूडेंट ने ये वाला स्टेप उठाया है? पता नहीं, फिर ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे लोग पढ़ते भी नहीं हैं, एक तो पढ़ाई बहुत कम है और एक मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही जो थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं उनकी तरफ और बस पढ़ाई नहीं, बाकी ये कि चलो ठीक है पढ़ें अपना बिजनेस करें। लेकिन पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी कब तक लेके आ सकते, कितने साल लग जाएंगे? देखिए अभी तो आवाम को देख के तो लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है, कभी भी नहीं, कभी भी। लेकिन आंदे तो यही कह रहे, मैं वेखी पहली बारी, मैं तो वेख के हैरान हो गया साहब जी। पाकिस्तान में कहना मैं बाहरले मुल्क नहीं देखी, इंडिया ने कितों बना ली है। सर यही तो हैरानगी, उन्होंने बना ली है और नहीं, मैं नहीं मानता झूठ है साहब जी, नहीं नहीं बन गई है यार, ये देख नहीं नहीं बन गई है सच में, ये दिखा तो रहा हूँ ये गाड़ी पूरी। अच्छा जी, ये गाड़ी का इन्होंने ये फायदा रखा कि वहाँ पे ना रश बहुत ज्यादा था, मुंबई वगैरह बहुत सारी सिटी रश में, से रश से बचने के लिए। यार जहाँ तक मुझे पता है इंडिया बहुत गरीब मुल्क है, उन्होंने मैं कहना मोटरसाइकिल पेट्रोल मुश्किल पूरा कर दिया, उन्होंने गड्डी की तो बना ली साहब जी, उन्होंने मेरे बंदन चिड़ी आ रहे।
इंडिया दे विच जड़ी बुल्ट दा तुहानू पता है बुल्ट गाड़ी का बुक बाइक का पता कितने की होगी वो पाकिस्तान में अगर आए तो पाकिस्तान च मेरा ख्याल हैगा 2.5-3 लाख दी उत्ते किन्ने दी है ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ 70,000 ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ 70,000 ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਿਲਤਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਕਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੋਣਗੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਨਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਮੇ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਹਮੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਰਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਵਾਤੇ ਜੋ ਕਰਵਾਤੇ ਜੋ ਅਗਰ ਯਹੀ ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੋ ਵੋ ਉਨਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੋ ਤੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ नहीं मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अगर वहाँ चले जाए क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है इंडिया में भी यही है कि प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे करवाया जा रहा है पाकिस्तान में प्रैक्टिकल नहीं है रट्टा सिस्टम है और अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए अगर पाकिस्तान एक शर्त में भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट का फर्क खत्म कर दिया जाए अच्छा और अगर ये चीज़ पाकिस्तान में आपको लगता है लॉन्च हो सकती है कामयाब होगी यहाँ पे अभी फिलहाल मुश्किल है क्योंकि अगर पाकिस्तान अभी जहाँ देखा जाए जिस जगह स्टैंड कर रहा है तो अभी मुश्किल है अगर यही अपना एजुकेशन सिस्टम अगर बेस्ट कर दी जाए स्टूडेंट्स को मतलब ये है कि जो हीरा है उन्हें तराशने की ज़रूरत होती है तो स्टूडेंट्स को आगे लेके आ जाए पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है खरीद सके हमने क्यों खरीदना हम अपनी क्यों नहीं बनाते हम इसलिए नहीं बना सकते थे हमारे इधर इतनी काबिलियत है ही नहीं कि उड़ने वाली टैक्सी बना दे उड़ने वाली टैक्सी आप चाहते हो कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें हैं या जैसे आपको कहीं जल्दी जाना है टैक्सी में बैठ के आप जहां मर्जी 2 मिनट में पहुंच जाओ चाहते हैं लेकिन अगर पाकिस्तान में हो भी कि इसके ऊपर ही चार्जिंग खत्म हो जाए बंदा नीचे गिर जाना हमारे पास बिजली भी नहीं पूरी होती हमारे तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो रहा था मैं शो को मिलने जा रहे होते हैं रस्ते में बाइक पंचर हो जाती है पेट्रोल खत्म हो रहा था फिर उसको कहना यार आज डिले कर दे यार तुम चार्जिंग करके इसके ऊपर बैठ जाओ नहीं ना ये फोतगियाँ बहुत होंगी पाकिस्तान में नहीं चल सकती नहीं नहीं चल सकती पाकिस्तान में क्या एतबार है ऊपर जाके इसका पेट्रोल या चार्जिंग जो भी है ऊपर से बंदा नीचे बस खत्म बाद में कहना गाली उनको देने जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की है पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी पे भी यकीन नहीं है नहीं बिल्कुल भी नहीं अगर ये अमेरिका से आए आ ही नहीं सकती नहीं अगर अमेरिका ये बना के भेजे तब आप यकीन कर लो कि इंसान की बच सकता है इंसान यकीन तब हो सकता है अगर अमेरिका में हम जाके चलाएं लेकिन यहाँ पे आ जाएगी तो इसका बिरा गर्क हो जाएगा हाँ आपको लगता है ये भाई सच कह रहे हैं मेरे ख्याल से सच ही कह रहे हैं बल्कि 100% सच कह रहे हैं अगर चार्जिंग ख़त्म होगी तो किसी के घर गिरेगा साथ वो 2-3 बंदे और लेगा और अगर कोई कवा शवा ना लान के बेच बाज गया तो फिर यार देखो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पे बिल्कुल बिलीव नहीं इंडिया जिस तरीके से ये काम कर रहा है भाई हाँ अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है सर साढ़े पाकिस्तानियों को ला गई ना तो उन्होंने तो थुक्का ही सुटते जाना वाम तो और कुछ नहीं करना उन्होंने लेकिन ऐसा होना चाहिए यार मैं राइड करना चाहूँगा बिल्कुल अच्छी बात है अगर ये राइड आया पाकिस्तान अच्छी अचीवमेंट है बिल्कुल अच्छी अचीवमेंट है तो हम क्यों नहीं अभी तक टेक्नोलॉजी में पीछे हैं हमारे पास भी सेम स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास भी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैं हमारे पास बिल्कुल ये आपकी बात सही है लेकिन देखें ना हमारे मुल्क में जितने सियासतदान हैं पॉलिटिक्स हैं उनको सिर्फ एक वज़ीर आज़म शिप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मिनिस्टर हमारे हैं वो सारे करप्ट हैं A to Z जितनी पार्टीज़ हैं आप उनको देख लें करप्ट लोग हैं यहाँ पे ऐसा मतलब कि हमारा मुल्क कभी बिल्कुल तरक्की करने की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि हम सियासत से निकलेंगे तो कुछ अलग सोचेंगे ना बिल्कुल यही बात है अगर हम लोग सियासत से बाहर आएंगे तो फिर ही कुछ करेंगे ना